Good evening, once again at the same online providing portal Vijay Physics, IIT JEE और NEET के प्यारे एस्पिरेंट और साथ ही साथ 11th फाउंडेशन बैच के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग काइनेमेटिक्स के टॉपिक स्टार्ट किए थे, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, चार इक्वेशन ऑफ मोशन थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिस्प्लेसमेंट इस्टीमेट किया जा सकता है इससे, f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो था आपके लिए, वो फिर से फाइनल वेलोसिटी के लिए था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और एक लास्ट वाला nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का हम लोग स्पेशली निकाले थे, जिसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से कॉल किए थे, f इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन थे। लीजिए एक दो हल्के फुल्के क्वेश्चन हो जाए, फिर भारी भरकम सवाल पर आते हैं। ये कुछ सवाल, एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर उसी के लेवल को उठाकर कुछ बड़े सवाल तक चलना है, भारी क्वेश्चन। एक मोटी बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फाइव सेकेंड, फाइव पूरा आराम से कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फाइव सेकेंड, पांच सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज्यादा होगा, किससे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, पांचवें सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे तो ज्यादा ही, क्योंकि पांचवें सेकेंड के लिए टाइम इंटरवल समय कितना मिल रहा है, केवल और केवल वन सेकेंड का टाइम इंटरवल, और पांच सेकेंड के लिए टोटल फाइव सेकेंड के लिए पूरा पूरा पांच सेकेंड होता है, फिफ्थ मतलब वन। टेंथ सेकेंड के लिए दस सेकेंड समय मिला, टेंथ सेकेंड के लिए एक सेकेंड समय मिला, तो याद रखिएगा हमेशा ये वाला ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड वाले से ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से एक तो सवाल, एक क्वेश्चन हमारे मन में है, उसी को बनाने चल रहे हैं। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इन फिफ्थ सेकेंड, एज पांचवें सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 18 मीटर। फार बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करे तो पांचवें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? केवल और केवल 18 मीटर। फुल स्टॉप। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या रहा होगा? विल बी, पहला ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन भी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई है। छोटा क्वेश्चन है तो धीरे धीरे इसे लगाना सीख रहे। ये सवाल है, अब याद रखिए यू की वैल्यू जीरो है, रेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है और फिफ्थ सेकंड में 18 मीटर चला है, तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखिए, सिंस एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, फोर्थ इक्वेशन आप मोशन लगाने चल रहे हैं, और इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, और यू आपके लिए जीरो, एस की वैल्यू 18 मीटर प्रोवाइडेड है, ए का अता पता नहीं है, लापता है, यहाँ टू एन की वैल्यू 5 है माइनस में, ये आपके लिए 10 हुआ और 1 सब्ट्रैक्ट करें 9 हो गया, 9
तो ये आ गया 18 इक्वल्स टू 9852, तो एक वैल्यू हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 18 इंटू 2 बाई 9, 9 टू जा 18 और 2 टू जा 4, कोई ना कोई ऑप्शन मैच किया होगा, मिला लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 मीटर पर सेकंड। ये हल्का क्वेश्चन हो गया। एक छोटा क्वेश्चन हमारी तरफ से, एक छोटा वाला सवाल और, ये देखिए सेकंड प्रॉब्लम, फॉर एनी बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट कर रहा है, एकदम आराम कर रहा है, रेस्ट बॉडी कोई मूव करना स्टार्ट किया है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड लिख दे रही है, nth सेकेंड बी जस्ट 9/25 टाइम्स, 9/25 गुना है, 9/25 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, पूरा पूरा कंप्लीट एन सेकेंड का मौका मिल रहा है, एन सेकेंड, देन एन विल बी, तो एन होगा, विल बी करके डैश कर दे रहे हैं, ऑप्शन आपके लिए नीचे बना रहे हैं, पहला ऑप्शन 4 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड होगा, थर्ड ऑप्शन 3 सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन भी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं। क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के हैं, केवल ऐसे हारने पर पकड़ बना रहे हैं, अभी अच्छे कुछ सवाल देखेंगे, कुछ बड़े सवाल देखे जाएंगे, मेगा प्रॉब्लम। सोल्यूशन यहां क्या पता है, जरा ध्यान दीजिएगा, nth सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 9/25 टाइम्स, और बॉडी रेस्ट से मूव कर रही है, क्या गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा, Fn की वैल्यू 9/25 टाइम्स है, यस, देखिए थोड़ा सा दोनों डिस्टेंस की बात आई है, तो nth सेकंड वाले को नीचे Fn लिख के रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और बाकी कंप्लीट जो t टाइम या n सेकंड में जो मूव कर रहा है उसको प्योर प्योर यस लिख दे रहे हैं, ये nth के लिए, ये कंप्लीट n के लिए, nth के लिए क्या फार्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, राइट हैंड में 9/25 लिख लीजिए अच्छे से, और ये आपके लिए UT means ये T time नहीं, यहां पर N कहा गया, UN plus half AT square, और T का रोल N कर रहा, half N का square, लेकिन अफसोस है पूरे मोशन में, पूरे जर्नी में इनिशियल राशि था ही, तो इससे फायदा ही हुआ है, अफसोस करने की बात बिल्कुल नहीं, ये फायदे की बात, लीजिए A by 2 की एंट्री करा दीजिए आप, या A by 2 ऐसे रहने दीजिए, A by 2 into 2n minus 1, इधर 9/25, और ये आपके लिए हाफ हो गया, into half a n का स्क्वायर, a का कैंसिलेशन हुआ, n में क्वाड्रेटिक बन रहा है, n की वैल्यू आपको एस्टिमेट करना है, इधर देखिए 2 से 2 का कैंसिलेशन हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 25 मल्टीप्लाई 50n हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर करिए 25 हुआ,
राइट हैंड में 9n का स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, हमने जो प्रेडिक्ट किया था, जो आपसे भविष्यवाणी किया था, वो बातें सही हो रही है। तो n में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो n को आप सॉल्व करिए, जैसे क्लास 10th वाले बच्चे सॉल्व करते हैं, वैसे आप भी मेहनत करिए। एक तरफ लीजिए या इसको एक तरफ ले लीजिए, 9n स्क्वायर माइनस 50n और ये प्लस 25, और एक तरफ ले लिए तो कुछ भी नहीं बचा जी। अब इसी को सॉल्व करना है, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है भाई। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या ट्रिक है जरा समझिए, फैक्टर के बारे में जरा थोड़ा जान लीजिए। ये जो इंड वाले टर्मिनल वाले नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके उसी के दो पार्ट में क्रैक करना है, फैक्टर बनाना है, जिससे ऐड या सबट्रैक्ट करने पर ये 50 आ जाए। तो ऐसा करिए, 9 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 25। इसी में दो फैक्टर छांटना, दो फैक्टर छांटेंगे, जैसे हमने ले लिया इसका पूरा फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी में दो फैक्टर छाटिए आप, जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला मैटर आ जाए। यहां देखिए 9 और 5 = 45, 45 और 5 मल्टीप्लाई करें, थरहाल में किनारे किनारे मल्टीप्लीकेशन आएगा, और 45 और 5 ले लेंगे तो ऐड करेंगे 50 भी आ जाएगा। अच्छा यहां पर माइनस 50 लाना है, तो माइनस 45 और माइनस 5 आपको लेना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो फिर भी हम करके दिखा दे रहे हैं। 9n स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट वाले को एज इट इज जैसे तैसा रखते हैं, बीच वाले को दो पार्ट तोड़ते हैं। इसी 50 को हमने लिख दिया 45n माइनस फिर से 5n और प्लस 20। अभी कॉमन लीजिए, इसमें से n कॉमन ले लिया जाए, 9 भी कॉमन हो सकता, 9n आ जाएगा आपके लिए n, और 9 कॉमन लिया और n आपने कॉमन लिया, ये 5 आ जाएगा, n पूरा कॉमन से बाहर। अब इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, n और माइनस इक्वल कॉमन आपने सही लिया, तो दोनों ब्रैकेट पार्ट सेम रिजल्ट देंगे। अब इस पूरे होल सोल में से क्या कॉमन, ये पूरा बॉक्स ही कॉमन, n माइनस 5, ये 9n और माइनस 5 हुआ इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, अब दो बॉक्स है, दोनों का प्रोडक्ट कब 0, जब किसी एक बॉक्स की वैल्यू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0, जब कोई एक नंबर 0, या तो दोनों 0 हो या तो कोई एक 0। यहां पर क्लियर नहीं है कि पहला की 0 की दूसरा 0, बारी बारी दोनों को चांस दीजिए। इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला वाला बॉक्स, तो यहां से लाभ मिलेगा n इक्वल्स टू 5 सेकेंड। चलिए एक आंसर मिल गया, हो सकता है दूसरा भी मिल जाए। इफ ये वाला बॉक्स 0, 9n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से इंप्लाइज होगा n इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा 9 इधर, 5/9। तो आपको ध्यान देना है जो n है वो इंटीजर है, वो इंटीजर के रूप में है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, फोर्थ सेकंड फिफ्थ सेकंड फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग मिसमैच कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 5। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, देख लीजिए ऑप्शन शायद बी वाला करेक्ट था क्या। चलिए ए अभी जो भी करेक्ट हो इसको अपना क्लिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ने रेस कर दिया है। ये दो हल्के फुल्के क्वेश्चन हो गए, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम कुछ बड़ी चीजें बताने चल रहे हैं, कुछ धीरे धीरे मैटर को और आगे बढ़ा लेंगे, तो सीखिए फायदा उठाइए। Thank you.
थोड़ा सा नई चीजें आपको बता दें। अभी सर्कुलर ट्रैक पर जब मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब किया जाता है। एक आईआईटी क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए थोड़ा सा टूल्स हम आपको दे रहे हैं, वो टूल समझ लीजिए, फिर वो टूल से ही कैसे आए इसको बाद में हम रोटेशन में क्लियर करते हैं। यहाँ पर काइनेमेटिक का क्वेश्चन जो है वो नरुकेश के टूल्स पहले सीख ले रहे हैं, टूल्स हम समझाते हुए चलेंगे। लीजिए ये टूल्स हथियार, कोई व्हील है ग्राउंड पर ये चल रहा है, जमीन पर ये चल रहा है, पहिया इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, यानी और कौन सा मोशन कर रहा है, रोलिंग, और कैसा रोलिंग, प्योर रोलिंग, जरा भी स्लिपिंग नहीं है, यानी पहिया जितना रोटेट करेगा उतना एडवांस करेगा आगे का, और एक चक्कर अगर पूरा रोल कर दिया तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ग्राउंड पर, 2πr। व्हील जब ग्राउंड पे चलता है तो मैथमेटिकली कौन सा पोर्शन उसका जमीन के टच में होता है, कौन सा ग्राउंड पे चलता है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया, तो आपका जवाब होगा सर्कमफेरेंस, देहाती में परिधि, 2πr ही ग्राउंड पर चलता है। और जो साइकिल का केस ले रहा है तो उसमें रेडियस का रोल कौन करेगा, वही स्पोक्स जो तीलियां हैं, 2πr कर दीजिए, एक चक्कर साइकिल चलेगी कितना आगे चलेगी, कितना आगे मूव कर जाएगी ये भी पता लग जाएगा। चलिए वही चीजें बताने चल रहे हैं, ग्राउंड पर इसका एक एक मूवमेंट हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये पॉइंटर पी, ये कोई पॉइंटर पी है, उसमें नन्ना से एलईडी बल्ब है, या किसी जुगनू को जो ग्लोवार्ड होता है उसको यहीं बैठा दीजिए, धागे से उसका हाथ पाव बांध कर वहीं रख दीजिए, और व्हील को चलाइए आप रात के अंधेरे में, या कोई रेडियम हो, रेडियम पॉइंटर हो, या आप चिपका दीजिए रात के अंधेरे में पहिए को चलाइए, तो उसका मूवमेंट देखिए, पूरा कमरे में कंप्लीटली डार्कनेस, पूर्ण रूप से एकदम अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस वो चमकदार जो पॉइंट है पी वही दिख रहा है। अब उसके पाथ को आप गेजिंग करिए, गौर से देखिए उसका पाथ कैसे मूव करता है, वो पार्टिकल कैसे मूव करता है, किस पाथ को ये फॉलो करता है, ये देखना है। जैसे हम क्वार्टर पोर्शन मूव किया हुआ इसका समझ ले रहे हैं, चौथाई हिस्सा मूव कर गया, क्वार्टर पार्ट, क्वार्टर पार्ट मतलब एंगल रूप में 90, यानी ये पॉइंटर कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ, फिर चौथाई चक्कर मूव करेगा तो इसका पॉइंटर, वो रेडियम वाला पॉइंटर, चमकदार पॉइंट ही कहां पहुंच जाएगा, टॉप, फिर क्वार्टर पोर्शन मूव करा रहे हैं, चौथाई हिस्सा मूव करा रहे हैं, तो ये कहां पहुंच जाएगा, समझ रहे होंगे, आगे की तरफ ए एस, और फिर क्वार्टर पोर्शन मूव करने दीजिए, तो फाइनली वो एट लास्ट अंतोगत्वा होते जाते फिर यहां पर पहुंच जाए, ये पी पर, चलिए पी डैश पर, ये इसका पाथ होगा, धीरे 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 धीरे, एक ही जगह आप नहीं मूव करेगा, साइकिल पर स्टैंड पर खड़ा कर साइकिल को चला रहे हैं तो सर्कुलर मोशन, और वही सज्जनता पूर्वक जैसे और लोग चलते हैं वैसे चलने दीजिए, रोड पर साइकिल को उतार लीजिए, जमीन पर बैठ करके अपना आराम चलिए, तो वो आपके लिए रोलिंग, याद रखिए रोलिंग क्या है, रोटेशन और ट्रांसलेशन का मिक्सअप है, रिजल्टेंट है। जैसे फिर सुनी बात, साइकिल स्टैंड पर खड़ी है और ऐसे आप पैडल कर रहे हैं साइकिल बैठ करके, स्टैंड खड़ी, पिछला चक्का चलेगा, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। चलिए अगला एक्शन, पिछले पहिए में ताला मार दीजिए, ताला मारने के बाद अब हैंडल पकड़ के उसको घसीटते हुए ले जाए एकदम खिसकाते हुए, हालांकि फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, तो इस समय साइकिल कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन कर रहा है, स्थानांतरण, अपना प्लेस बदल दे रहा है, स्टैंड पर खड़ी साइकिल चलेगी तो सर्कुलर, और ब्रेक लगा करके या ताला मार करके चल घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो ट्रांसलेशन, और सज्जनता पूर्वक आराम से, ज्यादा मेहनत करने क्यों शौक है आपको, आराम से साइकिल चलाइए जैसे पैडलिंग करते हुए लोग ले जाते हैं, ताला वाला मार्ग चलाएंगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, तो वो जो मोशन होगा साइकिल के पहिए का, दैट इज द रोलिंग, वो आपके लिए रोलिंग है, यानी रोटेशन और ट्रांसलेशन का कंबाइंड इफेक्ट है रोलिंग। चलिए तो रोलिंग के केस में ये पॉइंटर
धीरे 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 ऊपर भी उठेगा, फिर होते जाते होते नीचे नीचे आ जाएगा। एक ही जगह दिखा रहा है तो सर्कुलर, लेकिन ये सचमुच का ये डायग्राम हमने बना दिया है तो वास्तव में रात के अंधेरे में कैसे इसका मूवमेंट हो, ये ट्रैक किस ट्रैक को ओबे करता है वो ट्रैक आपको दिखा रहा है। लगभग ऐसे जाएगा, इस तरह जाएगा, फिर आपको ये ट्रैक होता है आपके लिए जिस ट्रैक पर ये चला है, ये ट्रैक है आपके लिए पैराबोला, पैराबोला होता है पैराबोला। और इसकी टोटल ये इस पॉइंट की ये लेंथ जो चला है पॉइंट, ये जो पाथ है पैराबोला, इसकी लेंथ जो होती है वो रेडियस का 8 टाइम्स होता है 8 आर। और जमीन पर कितना चलेगा ये तो हम लोग पहले से जानते थे, पाई आर। याद रखिएगा एक फुल रोटेशन में इन वन रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में डिस्टेंस क्या होता है, प्योर रोलिंग केस में डिस्टेंस रेडियस का 8 गुना 8 आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है देख लीजिए जमीन पर, ये डिस्प्लेसमेंट पी था वहां पर पहुंच गया पी डेस, उसको बोल दिए हैं, अलग पॉइंट वही है, ये आपके लिए 2 पाई आर होता है। याद करने वाली चीज है 8 आर, बाकी 2 पाई आर वाला आपका दिमाग काम कर रहा होगा, याद कर लिए ऐसे। हालांकि इसका भी डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है आगे वेलोसिटी, पहले रिलेटिव वेलोसिटी सीखेंगे फिर उसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, आ जाएगा। ये दो चीजें आप याद रखिए, साइकिल का पहिया जमीन पर पूरा एक चक्कर लगा रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, उसका जो पंपिंग जहां किया जाता है, जो छुच्छी होती जहां हवा भरा जाता है, वो पोर्शन कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 आर, वो पोर्शन कितना डिस्प्लेस होगा 2 पाई आर। ये दोनों बातें नोट किया जाए, एक अच्छा क्वेश्चन हमारी तरफ से। याद रखिए डिस्टेंस 8 आर होता है, डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर। अब इतनी बातें लोगों के दिमाग बैठ गई, इस पर डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछा जाने लगा लोगों को रट गया। आईआईटी ने थोड़ा सा फेरबदल किया, हल्का से उसका फायदा लिया, लोग सचमुच में अलर्ट है कि नहीं, समझदार हो गए हैं कि नहीं, उसकी चेकिंग करने का प्रयास। ये आईआईटी का अच्छा वाला सवाल आपके लिए। अभी आप रेडियस कैपिटल आर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फुल स्टॉप। क्या पता लगाना है वही आपको समझदारी से बताना, फुल स्टॉप। फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by any particle on B in just half revolution। देख लीजिए क्या इसमें खास बात है, कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए लोग रट गए थे, डिस्टेंस 8 आर और डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर, ये हाफ रिवोल्यूशन के लिए पूछ रहा है। अब भी लोगों को आंसर आसान ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, कहीं धोखा न खाए आप। लीजिए ऑप्शन बना दे रहे हैं, हाफ रिवोल्यूशन होगा, विल बी, पहला ऑप्शन 8 आर कामा 2 पाई आर। याद रखिए टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस का डाटा फिर डिस्प्लेसमेंट। बी वाला ऑप्शन 4 आर कामा पाई आर,
आधा आधा दोनों कर दिया। तीसरा फोर आर कामा आर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस फोर बी ऑप्शन। पाई आर कामा फोर आर, देख लीजिए आप, चार ऑप्शन बना दिया। देखिए भाई पहले पर तो बिल्कुल क्लिक मत करिएगा क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन ये होता है एट आर और टू पाई आर। चलिए पहला वाला छूट गया, चौथे वाले पर मत करिएगा, ये देखिए धोखाधड़ी किया है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि डिस्टेंस फोर आर होगा तो सही सोच रहे हैं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टू पाई आर होता था, पाई आर है तो हो सकता है आप सोच रहे हो, लेकिन हमारी मत नहीं है, हम आपके सपोर्ट में नहीं है। तो पहले डिस्टेंस फोर आर होगा ये पक्की बात है, तो लेकिन डिस्टेंस वाला डाटा देखिए फोर आर बाद दिया, डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। जरा समझिएगा, पहले आपको डिस्टेंस वाला आंसर जवाब देना है, फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गेस करिए, आइदर ऑप्शन बी आर सी, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, इसी का सही से जवाब सर्च करना। आप लीजिए सलूशन, यहां बहुत अच्छा सवाल है, एकदम ए ग्रेड का, आपके लेवल का सवाल। डिस्टेंस वाला ऑप्शन पहले मार्क कर लीजिए, डिस्टेंस रटा रटाया है, डिस्टेंस होगा एट आर तो कंप्लीट में होता था, आधा रिवोल्यूशन है तो होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है डिस्प्लेसमेंट। आइए ये ग्राउंड का सीन है, जरा समझिएगा, इस समय पॉइंट पी नीचे है ग्राउंड के टच में, और हाफ रिवोल्यूशन के बाद का सीन क्या होगा, बाद वाली फोटोग्राफी हम यहां दिखा देंगे। पॉइंट पी यहां पहुंचे हवा में, चलिए देख लीजिए, पहले टू पाई आर होता था, लेकिन अब यहां जमीन वाला तो भाई टू पाई आर का आधा, पाई आर तो आज भी होगा, लेकिन पाई आर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, जरा देखिए कहां डिस्प्लेसमेंट, हम तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पूछना है। इधर देखिए लंबी सी स्केल उठाइए, पी से पी डैस को मिला दीजिए, मिलाइए तो ये आपके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो मन में पाइथागोरस याद कर लीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ब्रोकन वाला है ये तो भाई डायमीटर हो गया टू आर होगा, तो पी से पी डैस आप निकालिए, पी से पी डैस डिस्प्लेसमेंट पी पी डैस इक्वल टू क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का, तो रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस ये टू आर का स्क्वायर। समझ गए होंगे आप लोग, आपको समझने में ज्यादा समय नहीं लगा होगा, समझदार पहले से हैं, बस खाली हमको याद दिलाना था। देख लीजिए पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा पाई आर सॉरी पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके लिए फोर और आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर लीजिए, फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में, आर बाहर आ जाएगा, ले रहे हैं अंदर से आर स्क्वायर, लेकिन रूट के बाहर आते आते सारी पावर समाप्त, और यहाँ रूट में पाई स्क्वायर प्लस फोर, ये आपका कंप्लीट जवाब है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीजिए कल धीरे धीरे और लेवल को अप किया जाएगा, कुछ तगड़े मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन बड़े बड़े फंक्शन लेकर के हम लोग वेलासिटी निकालेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के टेक्निक से। तो आज क्लास यहीं पर टर्मिनेट करती है, खूब आनंद से मौज में हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय की क्लास भी नहीं है, 25 से 30 मिनट की क्लास हो रही है पर डे, थोड़ा ही पढ़िए पर डे हम लोग पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा मैकेनिक्स का टॉपिक हम कवर कर देंगे, पूरा मैकेनिक्स का जो पोर्शन है एक भी चीज़ें छूटेंगी नहीं, सारा मैटर आपको फ्री ऑफ कास्ट ऐसे यूट्यूब पर मिलता रहेगा, इसका लाभ और बच्चे जो भी बच्चे हैं सब लोग उठाते रहें, जो और कहीं कोचिंग से अटैच हैं जुड़े हैं बाहर पढ़ रहे हैं कि घर पढ़ रहे हैं सबको फायदा मिलेगा। बस ईमानदारी से थोड़ा सा आपको पढ़ना है, इसको देखते चलिए और मैटर को नोट करते चलना है, जैसे प्रॉपर क्लास में लोग पढ़ते हैं,
क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।